नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक और नई वैकेंसी, कुछ और नए पद आप लोगों के लिए यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से आए हैं। ग्रुप बी और सी नॉन मिनिस्ट्रियल के लिए रेडियो ऑपरेटर संवर्ग के, अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी है जिसमें आपका जो कैडर है वो एसआई के कैडर का आपका यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें देख लिया जाए सीआरपीएफ की तरफ से। ये अभी देखा जाए तो उधर बीएसएफ ने भी आरओआरएम की अलग से वैकेंसी निकाली थी, सीआरपीएफ भी अलग से निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे विडंबना है ना, आप देखोगे कि फॉर्म की डेट जो है वो 21/5 है और एग्जाम की जो डेट है वो 24/6 है। मतलब विद इन 1 मंथ आपका पेपर हो जाना है। ये इस बात का मैसेज दे रहा है कि अब आप किसी वैकेंसी का इंतजार मत करिए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जो बच्चे होते हैं ना, खासकर इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाले बच्चे, इनके लिए मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, ये सो जाते हैं। उसके बाद फिर जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब तैयारी करना शुरू करेंगे। भाई आप फॉर्म भरोगे कि तैयारी करोगे, जब तक आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तब तक आपका एग्जाम डेट आ जाएगा, फिर ऐसे तैयारी नहीं होनी। हालांकि सारी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ सीआरपीएफ की तरफ से किसके लिए, ग्रुप बी और सी के लिए। नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेस्टेड, कम्प्यूटराइज, सिग्नल स्टाफ इन सीआरपीएफ जिसमें एसआई है, रेडियो ऑपरेटर में, क्रिप्टो में, टेक्निकल में, सिविल में। सिविल मतलब कि नागरिक पुलिस वाला नहीं है, सिविल मतलब सिविल ट्रेड है। एंड एएसआई टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन 2023 की वैकेंसी है। 1 तारीख से इसकी फॉर्म चालू होंगे, 1 मई से 21 लास्ट डेट है। मतलब आपको 20 से 21 दिन आपका यहाँ पे टोटल टाइम मिलेगा। 13 तारीख को आपका क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा 13 जून को, और 24 जून में आपका क्या हो जाना है, आपका पेपर भी हो जाना है। ठीक है, कंप्यूटर सीबीटी बेस्ड पेपर होगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सैलरी, क्योंकि सबसे पहले जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जाते हो तो पहली चीज़ आपको सैलरी, दूसरी चीज़ आपको पोस्टिंग चाहिए। तो सैलरी भैया लेवल 6 के हिसाब से है। कुछ पद जो ग्रुप सी वाले हैं वो आपके क्या हैं, वो लेवल 5 पे हैं, बी वाले लेवल 6 पे हैं। 29,200 से लेकर 92,300 आपका पे मैट्रिक्स है। उसके बाद अलाउंसेस इतने हैं कि आपकी सैलरी कम से कम 60,000 आपकी यहीं पे बनती है, और यहाँ पे तो और ज़्यादा बनती है। तो सैलरी में कोई चिंता नहीं है, अलाउंसेस इतने ज़्यादा होते हैं। डीए होता है, हाउस एंड अलाउंसेस होता है, एचआरए जिसे बोलते हो, टीए होता है, जॉब का ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, राशन मनी अलाउंस, यूनिफॉर्म होता है, फ्री एकोमोडेशन होता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज होता है, फ्री लीव पास होता है वंस इन अ ईयर ड्यूरिंग लीव एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिनिस्ट्रेशन इन सीआरपीएफ। तो जो आपकी सेना की भर्ती होती है, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सब में अलाउंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि लाइफ ऐसे ही सेट हो जाती है। टोटल वैकेंसीज कितना है ये मैं आपको बता दूं, तो टोटल वैकेंसी 212 है। अलग अलग संवर्ग में थोड़ी थोड़ी कम वैकेंसी है, लेकिन ये स्पेशल पोस्ट होते हैं, इस कारण से इतनी वैकेंसी भी कई बार क्या होती है, मतलब की होती है। क्योंकि शायद ही टेक्निकल डिग्री करने के बाद कोई क्या आता है, कोई आप सेना में आना चाहता है, इस कारण से नंबर ऑफ फॉर्म कम होते हैं। लेकिन इसका अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए फॉर्म के एकदम निःशुल्क होते हैं, इस कारण से नंबर ऑफ फॉर्म तो ज़्यादा पड़ जाते हैं, बट जो पेपर बैठने जाते हैं बच्चे, एग्जाम देने जाते हैं, वो संख्या कम हो जाती है। सब इंस्पेक्टर जो आरओ रेडियो ऑपरेटर का है टोटल 19 है, सब इंस्पेक्टर जो क्रिप्टो का है वो 7 है, टेक्निकल जो है वो 5 है, सिविल जो है मेल है इसमें केवल 20 है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का 146 है। सबसे ज़्यादा जो आपका पद है ये ग्रुप सी वाला एएसआई का, एएसआई टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होता है, एएसआई का जो होता है 146 पोस्ट इसी में है। और एएसआई जो आपका ड्राफ्ट्समैन है वो कितना है, 15 पद है। इसकी एज क्या मांगी है, तो एज बता दूं कि जो आपके लिए सबसे पहला है सब इंस्पेक्टर आरओ, इसके लिए इसने बोला है, सॉरी हाँ, इसके लिए जो बोला गया है वो बोला गया है कि आप 0 से 30, 0 से मतलब कहने का मतलब कि 30 साल से आप क्या होने, छोटे होने चाहिए, 30 से बड़े नहीं होने चाहिए। हालांकि आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग भी होगी, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें आपको क्या होना चाहिए, बिलो 30 होना चाहिए, इसमें आपका क्या होना चाहिए, 21 से 30 साल होना चाहिए, और बाकी में क्या होना चाहिए, 21 से 25 साल आपका होना चाहिए। ठीक है, 21 से 25 साल जो ये ग्रुप सी वाले पद हैं, ये 21 से 25 साल के आपके एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसको मैं आगे चल के क्लियर कर दे रहा हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। किसी में ग्रेजुएशन मांगा है जो एसआई पद रेडियो ऑपरेटर वाला है, या फिर आप जनरली बीएससी, और इसमें खासकर फिजिक्स और मैथ्स इससे आपका जरूर होना चाहिए। जैसे अगर आप एसआई आरओ का देखोगे, सब इंस्पेक्टर आरओ में, तो इसमें बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फॉर्म आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। मैथ्स हो, फिजिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, इसमें आरओ के लिए आपका बीएस बैचलर डिग्री होना चाहिए, ध्यान देना। इन शॉर्ट बोल लो बीएससी वाले बच्चे। सब इंस्पेक्टर जो क्रिप्टो में है, इसमें भी आपका यही होना चाहिए, बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले चल जाएंगे, कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, इसमें मतलब केवल कंप्यूटर वाले
नहीं एलिजिबल होंगे, उसमें कंप्यूटर वाले भी एलिजिबल है, इस बात को ध्यान देना। सब इंस्पेक्टर जो टेक्निकल है इसमें बीई बीटेक वाले हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से किए होंगे जो टेक्निकल वाले हैं, या फिर क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, ये होना चाहिए। जो आपका SI जो सिविल है, जो सिविल ट्रेड बीटेक वाला होता है, सिविल इंजीनियरिंग वाला होता है, उसमें केवल मेल के लिए है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, ये आपका मांगा हुआ है। और ASI जो इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए, जिसके साथ आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किस में, रेडियो इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर में, या फिर आपका BSc हो, किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आपका BSc हो तो भी आपका हो जाएगा। इसमें उन बच्चों को क्या दिया जाएगा, अधिमानी आता होगी, डिजायरेबल होंगे जिनके पास कोई हार्डवेयर कंप्यूटर के कोर्स होंगे, ऐसे समझिए। असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन है, इसमें क्या मैट्रिक 10th लेवल पास होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए 10th में, जनरल साइंस होना चाहिए और मैथमेटिक्स, मतलब इंग्लिश जो साइंस साइड वाला बच्चा होता है उसका होना चाहिए, फॉर्मर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, लेकिन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन कोर्स के लिए। तो इसमें कम बच्चों का होता है, वो भी सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, इस कारण से यहां पे क्या होते हैं, पद में फॉर्म कब अप्लाई होते हैं तो कॉम्पिटिशन कम रहता है। बाकी आपको मैंने एज का बता ही दिया, ठीक है, यहां पर एज आपको बता ही दिया 21 से, यहां पर देख सकते हो कि हाँ एज क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि 30 साल आपका क्या है SI वाले के लिए, ये आपका सेंटर वगैरह दिया हुआ है, और बाकी के लिए जो है 21 से 30 है, बाकी जो ग्रुप सी वाले पद हैं उनके लिए 21 से 25 साल है। इसमें देखा जाए आपने पूछेगा क्या, तो अगर SI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो और टेक वाले की बात किया जाए तो इसमें आपके एक पेपर होंगे 200 क्वेश्चन का होगा 100-100 मार्क्स का, मतलब अगर देखा जाए 50-50 100 क्वेश्चन का होगा 100-100 मार्क्स के, दो पार्ट में होंगे, पेपर एक ही होगा पर दो पार्ट में होगा, एक पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछेगा, दूसरे में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस पूछेगा और इंग्लिश पूछेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन आपका GA का होगा, 10 क्वेश्चन का इंग्लिश होगा, एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा और 0.5 निगेटिव होगी, इस बात को भी ध्यान देना, मतलब कि 1/4 दो नंबर प्लस है, 0.5 निगेटिव है, 1/4 की निगेटिव है। 2 घंटे का पेपर आपका होगा, ठीक है, 2 घंटे का फॉर बोथ पार्ट एंड वन और टू दोनों के लिए कितना मिलेगा, 2 घंटे टोटल ड्यूरेशन मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन के लिए, इस बात को ध्यान देना, 200 मार्क्स होगा। और जो आपके इस पद के लिए जैसे रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टोटेक, इनके लिए पार्ट वन ही है, पार्ट टू जो है ये किसके लिए, SI रेडियो ऑपरेटर पार्ट वन टू दोनों मिला के, ये इसमें आपको क्या है, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यहां पे आपका आएगा फिजिक्स और मैथ से भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो पार्ट बी है इसमें कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये SI रेडियो ऑपरेटर के लिए, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, इसमें केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए, क्रिप्टो और टेक के लिए केवल पार्ट वन होगा और रेडियो ऑपरेटर के लिए दोनों ही होगा। जो SI क्रिप्टो है इनके लिए क्या होगा, इनके लिए 50 क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी टोटल होगा, और ये कितने होगा, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, ये इनका होगा पार्ट ए और पार्ट बी। SI जो टेक्निकल है इनके लिए क्या होगा, इनके लिए आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, या फिर बी बीटेक स्टैंडर्ड वाले जो आपके सिविल वाले हैं या फिर टेक्निकल वाले हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन अलग होगा, और जो बी बीटेक स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस है उनके लिए 50 क्वेश्चन अलग होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, मतलब ये पार्ट वन और टू केवल इसमें है, बाकी सब में एक एक पार्ट 100-100 मार्क्स के 100-100 क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन एक नंबर का। इसमें देखा जाए SI सिविल मेल ओनली के लिए इसमें 50-25-25 मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है, 2 घंटे का है, और इसमें 3 में पूछा जाएगा। पार्ट वन में आपका क्या होगा, नॉलेज रिलेटेड टू सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग होगा, इसमें बाकी क्या होगा, ये किस पद के लिए, सिविल इंजीनियरिंग वाले पद के लिए है, SI के लिए। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन का होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 12th लेवल के, वो भी 25 होंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और ASI टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन जो है, जो ग्रुप सी वाले पद है, इनके भी 100 क्वेश्चन एक नंबर का होगा, इनमें निगेटिव 1/4 यानी कि 0.25 होगा, 2 घंटे का पेपर होगा पार्ट वन और टू दोनों मिला के, इस बात को ध्यान देना। इसमें 15-15-15 60 क्वेश्चन यहाँ पे, 40 क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे जो आपके टेक्निकल वाले हैं उनके लिए टेक्निकल पूछा जाएगा, 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड रेडियो इंजीनियरिंग वाले से पूछा जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड कंप्यूटर वाले से पूछा जाएगा अगर कंप्यूटर से भरेंगे तो, और या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तीनों में से कोई भी इन 40 में से कोई भी चूज कर सकते हैं। बाकी ये कंपलसरी सबके लिए रहेगा 15-15 वाला, जिसमें मैथ्स 10वीं लेवल की, साइंस 10वीं लेवल की, इंग्लिश 10वीं लेवल की और जनरल नॉलेज 10वीं लेवल की होगी। ड्राफ्ट्समैन वालों के लिए क्या होगा, 40 क्वेश्चन पार्ट वन यहाँ पे रहेगा, बाकी ये तो कॉमन है, ठीक है। पार्ट टू में केवल ड्राफ्ट्समैन वाले के क्या रहेगा, 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड के लिए ड्राफ्ट्समैन कोर्स ऑन सिविल का होगा, या फिर 3 ईयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड ड्राफ्ट्समैन कोर्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा, ये भी 40। तो अल्टीमेटली ये जो आपका पैटर्न है ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, सबका एक कंबाइंड नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री
ये मैथ्स अब में सब में पूछ रहा है और कंप्यूटर साइंस भी कुछ में पूछ रहा है, तो टेक्निकल पूरा है, इस बात को आप ध्यान देते हुए चलेगा। एक चीज और है कि इसमें कट ऑफ है जो जनरल एक्सामिनेशन के लिए, उनके लिए 45% सारे पार्ट में कट ऑफ है। अगर 45% से कम नंबर आया तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो पेपर थोड़ा सा जो होगा यहाँ पे ट्रिकी भी होगा और कट ऑफ भी थोड़ी नीचे जाएगी, ये बात आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मैं एक अलग से जो स्ट्रेटेजी तैयारी कैसे करें उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा। आप एक बार सिलेबस देख लो, जो जनरल पार्ट वन का सिलेबस है वो आपको केवल डिस्क्लोज करके दिया गया है, बाकी पार्ट टू का सिलेबस नहीं दिया गया है, वहां पर दिया गया वो उसी स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें जो सिलेक्शन मोड है 3 बेसिस पे होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पीटी टेस्ट होगा, फिर आपका क्या होगा मेडिकल होगा, डीएमई जैसे बोलते हैं। इसमें आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो हाइट मांगी है मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 मांगा है। जो चेस्ट है मेल के लिए 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 85, फीमेल के लिए कोई चेस्ट का प्रावधान नहीं होता है। हाइट दोनों में मांगा है मेल के लिए 162, फीमेल के लिए 154। और अलग जो इनके लिए जो रिलैक्सेशन है ये जो रिलैक्सेशन वाले ये है, हाइट तो 170-157 यहाँ पे दिया ही है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो ये चेस्ट का भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे रेस होगा जिसमें मेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस करना होगा 6:30 में, 6.5 मिनट में, और 100 मीटर की रेस करना होगा 16 सेकंड में। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में करनी होगी, 100 मीटर वाली रेस 18 सेकंड में करनी होगी, दो अलग अलग रेस होंगी। लॉन्ग जंप मेल को 3.65 मीटर करना होगा 3 चांस में, कोई भी एक हो जाए, और फीमेल के लिए 9 फीट करना होगा, ठीक है। हाई जंप जो हो जाएगा वो 1.2 मीटर मेल के लिए है, जबकि 3 फीट केवल किसके लिए, फीमेल के लिए। शॉर्ट पुट जो है 4.5 मीटर किसके लिए है, मेल के लिए 3 चांस पर, फीमेल के लिए शॉर्ट पुट का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट पुट जो है वो 16 LBS बटे 7.26 किलोग्राम का है। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वो रेस होगा किसके लिए, SI सिविल मेल ओनली के लिए, 1.6 किलोमीटर रेस, इसमें केवल रेस है, बाकी ये सारी चीजें नहीं है। बाकी मेडिकल का प्रावधान आपको बाद में बता दिया जाएगा, अभी आपको रिटन टेस्ट पे फोकस करना है। तो अगर देखा जाए तो CRPF हो गया, BSF हो गया, ये सारे अपने अलग अलग जो रेडियो संवर्ग के हैं या फिर टेक्निकल वाले या ऐसे कोई पद हैं वो अलग से निकाल रहे हैं। आप लोग इसकी तैयारी करते रहो, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है। मैं आपके लिए कितनी मदद कर दूंगा कि जो फिजिक्स वाला पार्ट है जिस मैक्सिमम जैसे BSF में भी पूछ रहा है आपका, इसमें भी रेडियो ऑपरेटर में भी पूछेगा, CRPF में भी पूछेगा, इवन आपका UP पुलिस के रेडियो ऑपरेटर में फिजिक्स के लिए बच्चे परेशान रहते हैं, तो फिजिक्स आपको जनरली हर जगह से अच्छा मिल नहीं पाता, वो मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।